आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पर सबसे पहले आपको जय हिंद बोलना चाहूँगा, इसलिए कि आप भी एक सैनिक थे, वीर अब्दुल हमीद जी जब आप शहीद हुए उनके स्थान पर आप थे जी। तो क्या जो अब राजनाथ सिंह जी कहे हैं कि मतलब जितने भी 1971 में लड़ाई लड़े थे उनको भी हम स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं? हाँ सर, पहले तो माननीय रक्षा मंत्री जी को सादर नमस्कार जी। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि जो 71 की लड़ाई में लड़े हुए हैं और उन्हीं के, और बांग्लादेश भी उन्हीं के समय में बना, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ अटैक कर रहे थे उस समय, जो कि है हमारी सेनाएं जो कि है बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेश को बनवाई हैं। आप जो कि खुले मन से कहते हैं कि ये भी जो कि है एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, क्योंकि ये भी एक मुल्क को आज़ाद करवाए हैं जी, लेकिन उसका लाभ हम लोगों को नहीं मिल रहा। इतना ही नहीं, अभी समान रैंक समान पेंशन भी जो सभी को लागू हुआ, हम पूर्व सैनिक हैं और रिजर्विस्ट हैं, तो बांग्लादेश हम ही लोगों के समय बना है। जब आप मंच से घोषणा कर रहे हैं कि इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाएगा हैं, तो इनको लाभ भी तो जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मिलना चाहिए जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आपसे उम्मीद कर रहे हैं। हम ही नहीं, हमारे रैंक जितने भी जवान हैं जी, कि इनको ऊपर भी ध्यान देकर इनका भी जो कि कल्याण करें, ताकि जो कि है ये भी जो कि है इज्जत की ज़िंदगी जी सकें। जय हिंद, जय भारत। जो स्वतंत्रता सेनानी का इन लोगों को हक नहीं मिला है उनके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे और लड़ेंगे जी। लड़ेंगे कि नहीं, हम लोग एकदम पूरी ताकत से जैसे हो सकेगा उस तरह से हम लड़ेंगे और इन लोगों को सम्मान हम दिलवाएंगे, स्वतंत्रता सेनानी का हम लोग सम्मान दिलवाएंगे। और जब तक नहीं दिलवाते हैं तब तक जो है कि हार नहीं मानेंगे और तब तक हम लड़ते रहेंगे जी। अगर हम लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अगर लाभ मिला हुआ होता तो हमारा लड़का UPP में भर्ती होने के बाद, पूरा ट्रेन निकालने के बाद, कसम परेड खाने के बाद, उसको जो कि है सिलेक्शन निरस्त का कागज पकड़ा दिया गया पोस्टिंग की जगह पर। तो आप ही सोचिए सर कि हम लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। अगर मैं, हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप जो कि है जो इस ढंग की कमियां है उसको जो कि है ख़त्म कर जो लड़का स्वतंत्र 71 के लड़ाई वाले जवान जो लड़े हुए हैं जिस समय बांग्लादेश बना हुआ, उनको स्वतंत्रता संग्राम का पूरा लाभ देते हुए जो सिलेक्शन निरस्त किया गया है उसको सिलेक्शन कर लिया जाए। जय हिंद, जय भारत।